हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम मेथी के पराठे बनाएंगे एक नए तरीके से। इस तरीके से मेथी के पराठे बनाने से या गर्म खाएं या फिर आप इसे ठंडा होने के बाद खाएं या काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। मेथी जिसे मैंने साफ़ करके अच्छे से धोकर बारीक काट लिया है। 1/2 कप दही, 1 मीडियम साइज़ का आलू जिसे मैंने उबाल करके कद्दूकस कर लिया है। पराठे में मैंने बारीक कटा हुआ हरी मिर्च यूज़ किया है, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 टीस्पून अजवाइन। और पराठे को सेकने के लिए वेजिटेबल ऑयल या फिर हम बटर ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आटे में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और पानी की मदद से जितना ज़रूरत हो उसी के हिसाब से हम डालकर इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पराठे में हमने दही का यूज़ किया है, इसीलिए इसमें हम पानी जो है हिसाब से डालेंगे। पराठे का डो हमें एकदम से सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट डो तैयार है। हाथ में थोड़ा सा तेल लेके इसे हम डो के ऊपर लगा देंगे और इसे हम ढककर 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद हम इससे पराठे बनाएंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम डो को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मेथी के पराठे आप छोटा या बड़ा जैसा भी बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम इससे लोई निकाल लेंगे। अब हम एक लोई उठाएंगे और इसे हम गोल करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा से अच्छे से इसे कोट करके इसे हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे इस तरह से। इसी तरीके से हम सारे पराठे को बेलते जाएंगे। तवे को हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इस पर एक पराठा रखेंगे और इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा तेल भी लगा देंगे। पराठा हमारा तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे पराठे को भी हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस पराठे को आप चटनी, अचार या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं और यह पराठा काफ़ी सॉफ्ट होता है तो इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं। हमारा गर्मा गर्म मेथी का पराठा तैयार है। यह देखिए कितना सॉफ्ट बना है। यह ठंडा होने के बाद भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो आप इस तरीके से एक बार मेथी का पराठा बनाइए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अगर मेरी आपको यह रेसिपी पसंद आई तो नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।